क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, टुडे डेट इज 4th of June 2021, टीचर गगन दीपिका फ्रॉम यूपीएस गुंडीसना स्कूल। स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग अबाउट द चैप्टर गुलिवर अमंग द लिलीपुट्स। गुलिवर एक सर्जन था जो एक शिप जिसका नाम एंटीलोप था उसमें साउथ सीज की तरफ जो है सफर कर रहा था। उसमें बहुत सारे और भी सवारियां थी, लेकिन अचानक समुद्री तूफान आने के कारण वो जहाज जो है एंटीलोप वो टूट गया और गुलिवर जो था उसमें किसी तरह से बेहोशी की हालत में जो है किनारे पर पहुंच गया। और जब उसको होश आया, उसने अपने आप को क्या किया, अपने आप को पाया कि उसको किसी ने धागों से बांध दिया है और कुछ छोटे छोटे लोग जो हैं, छोटी हाइट के जो लोग हैं, अराउंड 6 feet जो है उनकी, 6 inches जो उनकी हाइट है, वो उसके पास जो है काफी सारे लोग जो है उसके पास खड़े थे। आइए अब इसकी नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। He felt something moving on his body and face. उसको क्या लगा गुलिवर को, कि उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पर जो है कुछ रेंग रहा है। He was astonished to see a tiny man of 6 inches on his face. वो बहुत हैरान हुआ जब वो, उसको होश आया, उसने क्या देखा कि एक 6 inch का जो इंसान है, इंसान छोटे छोटे लोग हैं उसके चेहरे पर चढ़े हुए थे। There were dozens of them around him carrying bows and arrows and the strings were like threads. वो दर्जनों के जो हिसाब से वो लोग वहां पर खड़े थे और उन्होंने उसके ऊपर जो है तीर तलवार जो है अपने, मतलब अपने तीर तलवार लेकर उसकी बॉडी के ऊपर खड़े थे और उसको स्ट्रिंग्स के साथ जो है बांधा गया था। गुलिवर न्यू दैट ही वाज इन लिलीपुट। गुलिवर को पता चल गया कि वो कहां पर है, लिलीपुट में पहुंच गया है, जहां पे लोगों की हाइट जो थी वो सिर्फ 6 inches के अराउंड होती थी। ही ट्राइड टू कैच सम ऑफ द टाइनी मैन इन हिज हैंड्स। उसने क्या किया, कोशिश की कि कुछ को वो क्या करे, अपने हाथ में पकड़ ले, लेकिन वो क्या हो गए, उसके हाथ से जो है छूट गए, स्लिप्ड हो गए। ही वॉज हंग्री एंड थर्स्टी। वो बहुत ही भूखा था और बहुत प्यासा था। सो ही मेड सम साइंस ऑफ फॉर फूड एंड ड्रिंक। तो इसीलिए उसने क्या किया, कुछ इशारों से जो है उन लोगों को बताने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ, भूखा और प्यासा हूँ। दे ब्रॉट सम बास्केट्स फुल ऑफ ब्रेड एंड टाइनी टब्स ऑफ वाटर। अब उन्होंने क्या किया, गुलिवर के लिए जो है बहुत सारी छोटी छोटी टोकरियों में ब्रेड लाई और टाइनी टब्स ऑफ वाटर जो है उसके लिए पीने के लिए लेकर आए। उसने, गुलिवर ने वो सब खाना जो है वो खाया, उसके मुंह में वो उड़ेलते गए और वो खाता गया और उसके बाद उसको नींद आ गई। ही स्लेप्ट अगेन। ही वॉज टेकन टू द किंग ऑन ए बिग कार टू द सिटी गेट। अब उसको कहां पर ले जाया गया, उसको एक राजा के पास, जो लिलीपुट का राजा था उसके पास ले जाया गया। और किस पर ले जाया गया, एक बड़ी सी जो है कार्ट बनाई गई और उसके ऊपर उसकी बॉडी को जो है मूव किया गया, शिफ्ट किया गया और उसको वहां पर पहुंचाया गया राजा के सामने। ही वॉज केप्ट एज ए प्रिजनर इन एन ओल्ड टेम्पल। और उसको एक पुराने मंदिर में जो है कैदी की तरह पे रखा गया। अब उसकी लेग्स को क्या किया, हिज लेग्स वर टाइड विद अ स्ट्रांग चेन्स टू अ पिलर। उसकी टांगों को जो है स्ट्रांग चेन्स से जो है बांध दिया गया। गुलिवर डिड सम फनी ट्रिक्स टू अम्यूज द किंग एंड पीपल। अब गुलिवर ने क्या किया, गुलिवर ने सोचा कि ये लोग मुझसे डर गए हैं। उसने कुछ ऐसी फनी ट्रिक्स की जिसकी वजह से राजा जो था और लोग जो थे बहुत खुश हो गए। वन डे गुलिवर प्लीडेड टू द किंग टू बी अनचेन्ड आफ्टर हिज अश्योरेंस टू ऑल दैट ही विल नॉट हार्म एनी बॉडी। गुलिवर ने सब लोगों के आगे क्या है हाथ जोड़े और कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे अनचेन कर दो, मुझे इन बेड़ियों से आजाद कर दो, मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू सेट हिम फ्री एज ही फाउंड हिम ए हार्मलेस चाइल्ड। अब किंग ने जो है ऑर्डर कर दिया कि उसको क्या कर दिया जाए, गुलिवर को आजाद कर दिया जाए, कि ये क्या है, किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला दैत्य नहीं है। There Gulliver lived happily among the dead peoples of Lilliput for several months. और गुलिवर जो है वहां पर हंसी खुशी से जो है उन लोगों के साथ काफी देर तक वहां पर रहा और उसके बाद वहां के राजा ने, लिलीपुट के राजा ने उसे आजाद कर दिया। ये हमारी स्टोरी थी गुलिवर एंड द लिलीपुट्स की। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूंगी। फर्स्ट आप इसकी स्टोरी बुक से अच्छे से रीड कर लीजिए। थैंक यू।